मैंने ये देख लिया कि यहाँ पे सिग्नल नहीं मिलते, लोग फोन नहीं उठाते इतनी मुश्किल से। मैंने अभी नीचे से अगर देखूँ ना, हमें नीचे कम से कम 1 घंटा पहले दिखा रहा था 2 मिनट दूर है। हाँ। और सिर्फ 1 मीटर आगे बढ़ते ही दिखा देता था 17 मिनट दूर है। हम्म। क्योंकि उसको लग रहा है कि सबसे नियरेस्ट तो ये है, अब मैं पहाड़ थोड़ा चढ़ के जाऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम अपनी जर्नी जो है, अपने वीलॉग की जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। काफी टाइम से सोच रहे थे, बट नाउ आई थिंक इट्स द राइट टाइम। तो आज हम स्टार्ट करें अपनी जर्नी। हम कहाँ जाने वाले हैं, मम्मा आपको आगे बताएंगे। आपको बताना है मसूरी। ओके, इन्होंने पहले रिवील कर दिया। तो हम लोग जा रहे हैं मसूरी। दिल्ली में बहुत ज्यादा गंदी गर्मी हो रखी है, तो हमने सोचा चलो थोड़ा टाइम निकाल के चलते हैं पहाड़ों में। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है करंटली इन मसूरी। यहाँ तो आप देख सकते हो मेरी हालत बहुत खराब है, पसीने में लथपथ हो रखे हम लोग। हमारी सारी पैकिंग हो गई है, हम ऑब्वियसली हमेशा की तरह थोड़ा थोड़ा लेट हो रहे हैं। हमने यहाँ पे टोल टैक्स कटवाया और मिड डे पे रुके हम लोग शिव ढाबा पे। यहाँ हम लोगों ने नाश्ता किया, थोड़ा सा हॉल्ट किया। तो हमने यहाँ पे शिवा ढाबा ना, शिवा ढाबा आए हैं और हमने मंगाया है ये मिक्स पराठा। वो गलती से प्याज का पराठा ले आया था और ये पनीर पराठा इन्होंने मंगाया। और हमने लस्सी मंगाई है, कोल्ड कॉफी मैंने मंगाई थी पर वो नहीं थी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, अचार भी। और कैसा, सही है? लो जल्दी, सही है। तो गाइज हमने खा लिया अपना ब्रेकफास्ट, खाना बहुत टेस्टी था और हमारा बिल अराउंड 400 रुपीज़ आया। मुझे थोड़ा बिट प्राइस ही लगा क्योंकि फीलिंग उतनी नहीं थी, बट हाँ ठीक है। अंदर क्योस बहुत ज़्यादा है, मतलब भीड़ बहुत है यहाँ पे, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि मिक्स पराठा मंगा रहे हैं तो प्याज आ रहा है, कभी पनीर आ रहा है। मुझे थोड़ा प्राइस ही भी लगा क्योंकि फीलिंग बहुत कम थी। लस्सी की जगह पे कह रहे कोल्ड कॉफी नहीं है, काफी अच्छा था। कोल्ड कॉफी आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ऐसी, बट काफी अच्छी थी। ओ हेलो, कैसे लग रहे पहाड़? यार मेरे तो चुटकी नहीं बचती, कैसे लग रहा पहाड़? अभी तो शुरू हुए हैं, अभी तो देहरादून भी नहीं पहुंचे, मेरे तो कान बंद होने लग गए। अभी इतने ऊपर भी नहीं आए तो अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो इधर हाईवे बन रहा है डायरेक्ट, है ना? ये एक पार्ट है, उसके बाद में आगे बहुत सारे पुल है जो करेक्ट होके सीधा हाईवे बन रहे हैं, जिससे टाइम बहुत बचेगा। पर अभी तो रास्ता थोड़ा सा खराब भी है क्योंकि यहाँ पे सब मिट्टी रेत बालू वगैरह सब आया हुआ है, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसीलिए आया हुआ। पिछली बार आए थे, मैं तो बड़ा छोटा था उस टाइम, याद है कि यहाँ से निकले थे दिल्ली से, पहुंचे थे पहले ये अपना डिपो ISBT, फिर वहां से 3-4 किलोमीटर दूर है पर्वतीय डिपो जो आपका लोकल है, वहां से पकड़ी थी बस। मेरे ख्याल से उस टाइम पे 70-80 रुपए लगते थे। वहां से गए थे मसूरी, कौन सी है, लाइब्रेरी करी हुई है, लाइब्रेरी चौक है, वहां पहुंचे। उसका कुछ और नाम होता है, पिक्चर पैलेस ऐसे कुछ नाम भी है ना उसका, पैलेस है लाल डिब्बा, हाँ ऐसी कुछ नाम है, पूरा तो अब याद नहीं, बड़े टाइम की बात हो गई। फिर वहां से गाड़ी करी थी, वो पैकेज होता है कि मतलब यहाँ यहाँ 4-5 जगह घुमा देंगे करके। अगर आपको बता रहा हूँ लाल डिब्बा जाना है ना, पिक्चर पैलेस के तरफ चलेंगे, ठीक है, वहाँ गाड़ी खड़ी हो जाएगी कहीं कहीं पार्किंग। हाँ हाँ हाँ, आप अगर उससे चले जाओगे, वो होती है ना ले जाने वाली लिफ्ट, बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाँ हाँ केबल कार, केबल कार, वो आपको ले जाएगी ऊपर। अच्छा, फिर नीचे लाइट छूट देगी। हाँ हाँ, मैंने ये देख लिया कि यहाँ पे सिग्नल नहीं मिलते, लोग फोन नहीं उठाते, इतनी मुश्किल से जगह मिली है। इनफैक्ट ये जितने गेट है ना, ये डायरेक्ट सीधे नहीं है। हाँ। आपको गेट के बाद में नीचे उतरना है। इनफैक्ट मैं अभी आ रहा था तो मैंने उधर देखा, एक सीढ़ियां है फिर ऊपर रास्ता जा रहा है अलग,
गूगल मैप पहाड़ों पे फेल है, ये बात पक्की है। रीजन क्या है, मैंने अभी नीचे से अगर देखूँ ना, हमें नीचे कम से कम 1 घंटा पहले दिखा रहा था 2 मिनट दूर है, और सिर्फ 1 मीटर आगे बढ़ते ही दिखा देता था 17 मिनट दूर है, क्योंकि उसको लग रहा है कि सबसे नियरेस्ट तो ये है, अब मैं पहाड़ थोड़ा चढ़ के जाऊंगा। हम तो गाड़ी में चढ़ेंगे ना, गूगल मैप गाड़ी के लिए चढ़ने वाला ऑप्शन कब से आ गया इसमें, वो सोच रहे हैं ट्रैक करते चले जाएंगे। और ये 2 बार हुआ है, एक बार नीचे जब सेकंड राउंड पे आए थे वो एक हॉल्ट एरिया था, वहां से दिखा रहा था सिर्फ 7 मिनट, अचानक से हो गया 20 मिनट, मैंने 20 मिनट भी देखा बीच में एक बार। पता, तो इसका मतलब है कि भाई पहली बात तो पहाड़ों पे गूगल फेल है, बेस्ट है यहाँ के लोकल लोग, उन्हीं को सबसे ज्यादा पता होता है। और अगर गोइंग फॉरवर्ड ट्रैवलिंग के टाइम पे कभी भी आप अटक जाओ कहीं पे, तो बेस्ट है भाई जिनसे आपने बुकिंग कराई है या होटल में सीधा बात कर लो, वो बेस्ट नॉलेज रखते हैं, इनफैक्ट हमको भी उन्होंने ही बताया है। इससे ज्यादा और कोई बेस्ट आपकी बता नहीं पाएगा आपको। अब देखते हैं, ड्राइवर तो गया वहाँ पे देखने के लिए, अब देखते हैं वहाँ पे नीचे पार्किंग है कि नहीं, क्योंकि हमारा भी थोड़ा नीचे स्टीप है, रोड है। चलो, तो यहाँ से एंट्रेंस है और साथ ही में आप अटैच वॉशरूम देख रहे हो, और छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है, यहाँ पे केबिन भी है शावर लेने के लिए, और ये हमारा बेड है, काफ़ी क्यूट है और काफ़ी छोटू, काफ़ी तो नहीं ठीक ठाक है साइज़, हाँ। एंड ये हमारा टीवी है जो बिल्कुल नहीं चलाने वाले, ये टेबल है, फालतू का सामान ऑलरेडी यहाँ मैंने रख दिया है, ये एक चेयर है जिसपे ऑलरेडी विराजमान कर दिया है हमने, क्या बोलते इसको, बैकपैक, हाँ। ये कर्टेंस हैं, बहुत अच्छा फैब्रिक है कर्टेंस का, और साइड टेबल्स आप देख सकते हो। मैं एक बात बताती हूँ, ये मैंने ना 3 बार लगाया, ठक करके ऐसे गिरा, मैं डर गई थी, पर चलो ठीक है। एनी वन आई लाइक दीज लैम्प्स, काफ़ी विंटेज लुक दे रहा है। एंड ये है हमारी छुटकू सी बालकनी, यहाँ का, हाँ, यहाँ का व्यू देखो गाइस, सुपर ऑसम, बहुत ही प्यारा व्यू है। हाँ, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव टी कॉफी इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, क्योंकि अभी से काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे। ये मैं दिखाती हूँ इसको थोड़ा जूम करके, ये कचरा, ये इतना ज़्यादा कचरा हो रखा है पूरे ज़मीन पर, ये सारा कचरा है, देख रहे हो आप भी, देख रहे हो कचरा, ये कचरा तो है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात पता है क्या, ये रूम है ना, दैट डजंट मैच द प्राइस, हां 3000 का ना कुछ, दिस कुड बी द थिंग कि अभी क्योंकि पीक सीजन है, राइट, गर्मी का टाइम है, इसलिए हां यहां पे ये लोगों ने अभी प्राइस बढ़ा रखा है, पर एक्चुअली में ये वही है जो ये ऑफ सीजन में 1000 का, हां एग्जैक्टली। तो हम आए अपने ही होटल के कैफ़े पे, जो ऐसी है कुछ सीटिंग है, और यहाँ से व्यू बहुत प्यारा, आप नेक्स्ट देखना। तो हमने यहाँ ऑर्डर करा था मिक्स पकोड़ा, कॉफ़ी, पनीर टिक्का और मसाला चाय, काफ़ी अच्छा था सब कुछ। तो आप मेरे को ये नाचते कूदते देख रहे होंगे, क्योंकि मस्त पंजाबी गाना बज रहा था। मैंने कॉफ़ी भी भाई बहुत टेस्टी थी, फिर मैंने पकोड़े खाए तो बहुत ही मज़ेदार थे, हमने 2-2 बार मंगाए। एंड उसके बाद मैंने पनीर टिक्का ट्राई करा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, इनको अच्छा लगा, मुझे सोसो ही लगा, ये तो बड़े चाव से देखो खा रहे हैं, एकदम मस्त हो गए, इनको अच्छा लगा, मुझे ठीक ठीक लगा। चलो चलो, कहाँ, ये नीचे यार, नहीं यो। यार अब देख रहे हो कितना नीचे, ये स्लांट में गिर जाऊंगी फिर, होटल हाईलैंड नहीं लिखा तो ऑफ कोर्स नहीं, इसी में एक वो है कैफे, चलो जाओ, मम्मी अब जाना है, यहाँ मेरे को डर लग रहा, तुम मत जाओगे, गिर जाओगे तुम, ऐसे यूं बैठ के स्लाइड नहीं कर सकते, मेरे से तो इस पे नहीं चला, वो है ना वो मेरी ब्लर हुई, ये वाला जो क्या बोलते हैं इसको ब्रिज कहते हैं आइडली, अगर ये वही है तो आई थिंक ये एडवेंचर के लिए होगा, क्योंकि काफी सारे यहाँ पे एडवेंचर चीजें हैं, आइलैंड करके पता नहीं बहुत सारी चीजें जब हम आ रहे थे, और ये हम प्यारा सा व्यू का लुफ्त, वो हमारा लुफ्त, वो वहाँ पे ऊपर कैसे उठाते हम लोग, रुक जाओ,
हम लोग ये पूरा लेन वॉक करके आए हैं। ये इतना ज्यादा स्टीप है ऐसे। अब देखो कितना स्टीप है, ऐसे एकदम स्लांट है। और हम ये पूरा वॉक कर रहे हैं लेन इवनिंग टी पकोड़े के बाद। ये आराम से 30 डिग्री का इसमें टिल्ट है। हाँ, क्योंकि नीचे जाने है, बट काफी स्टीप है। हाँ, गलती है, हम लोग चप्पल और कोल्हापुरी पहन के आ गए हैं तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ के लिए नहीं है, रीजन बीइंग कि ये एक तो हैवी, बाकी रोड ठीक है, अच्छी बनी है, बट यहाँ पे स्टिल थोड़ा सा टूटा फूटा है। वो एक फॉर्मनेस चाहिए। और यहाँ पे बहुत मस्त कैफे है, आपको दिखाते हैं हम, होपफुली यहाँ पे आएंगे। बहुत ही सुंदर है, वाइट थीम है इस कैफे की, देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर बना रखा है। ऑब्वियसली वील ट्राई टू कम हियर। और काफ़ी सारे कैफेज हैं, एक तो हम अपने ही कैफे में होकर आए हैं, वो वाला कैक्टस क्लब कैफे, वहीं पे कॉफ़ी पकौड़े खा कर आए हम लोग। और भी काफ़ी सारे यहाँ छोटे 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 कैफेज हैं। ये कौन सा है, टमाटर सूप है ना, बहुत अजीब खुशबू है। अच्छा, बहुत अच्छा टमाटर सूप है ना, काफी लाइट है। अच्छा। क्या ये वेज मंचूरियन? अच्छी है पर थोड़ी सी ज्यादा मीठी है। कैसी है? ये एक्चुअली में दही से बनाई गई है। अच्छा, इसमें पता लग रहा है किसी ने अभी अभी दही में डाल दिया, इसमें किसी ने इसमें मीठा डाला, घुमाया फिर दिया। कैसा लगा डिनर? या मेरे को तो नहीं सही लगा, मेरा तो सूप ठीक था, कॉफी मीठी थी, मतलब ठीक थी। नहीं, पर कॉफी में हमने बोला भी नहीं था कि उसको। हाँ, मंचूरियन नहीं था ठीक। मंचूरियन तो बहुत बेकार था भाई साहब, तला हुआ, छोटा सा जला हुआ, मेरे हिसाब से बॉल्स बहुत छोटे छोटे थे। इससे बहुत बेटर खाया हुआ है, मतलब ये मेरी जिंदगी के कुछ खराब मंचूरियंस में से एक है। क्या बेकार? यू डन अ वेरी बैड हरकत। क्यों? हम लोग बालकनी से आ रहे हैं और कुत्ते की लड़ाई हो गई। अब वो लड़ाई को कहते कुत्ता मेरे को पीछे फेंक दिया रूम के अंदर। तो भाई मुझे लगा तुम डर रही हो उसमें। तो आज का दिन तो यही हो गया खत्म। अब हम भी जा रहे हैं सोने। हम तो नेक्स्ट वीक आप लोगों से मिलेंगे, पर हम मसूरी से कल मिलेंगे। तो आगे क्या क्या होगा नेक्स्ट वीक आप देखते रहना, जैसे जैसे वीडियो आएगी। एंड ओ बाय तो बोलते, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।